शेख नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह का जिक्र। सूरह यूसुफ की तलावत के बाद जब मेरी तबीयत बहाल हो गई और दिल को सुकून मैसर हुआ तो मैंने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से दरियाफ्त किया, ये नसीरुद्दीन महमूद कौन शख्स हैं? मैंने इनको अपने हजरत की मजलिस में पहले भी देखा है मगर मुझे ये खुश्क मुल्ला मालूम होते थे। मेरे दिल को कोई रगबत इनकी तरफ नहीं होती थी। हजरत की मजलिस में यही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ना कभी मुझसे बात की, ना किसी से मेरा हाल पूछा, ना मेरी तरफ मुखातिब हुए। मैं ऐसा महसूस करता था कि वो मुझसे नफरत करते हैं, मगर उनका कलाम सुनकर अब मालूम हुआ कि वो बहुत बड़े आरिफ और कामिल दरवेश हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने जवाब दिया, हजरत की मजलिस में हर शख्स इल्मियत और दरवेशी में कामिल है, सब खलीक और एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हैं। शेख नसीरुद्दीन महमूद भी ऐसे ही अच्छे आदमी हैं और मेरे हजरत की उन पर ख़ास इनायत है, मगर उनकी आदत ही कुछ ऐसी है कि सबसे अलग थलग दिखाई देते हैं। वो शहर में रहते हैं और एक मदरसे में दर्स देने का मशगला है, ओद उनका वतन है। शेख नसीरुद्दीन महमूद बाज़ औक़ात मजलिस समा से अलग बैठते हैं। लोग हजरत से शिकवा करते हैं कि नसीरुद्दीन ओधी शायद समा यानी कवाली के मुनकिर हैं, मगर हजरत हर एक का हाल अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए किसी की शिकायत पर तवज्जो नहीं फरमाते। शिकायत करने वालों को ये फरमाकर रोक देते हैं कि तुम नसीरुद्दीन महमूद को पहचान नहीं सकते। और जैसा कि उन्होंने अपनी गज़ल के मक्ते में कहा है कि नसीरुद्दीन के सीने में किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हकीकत भी यही है कि अगरचे उनकी सूरत और लिबास मौलवियाना है और मेल जोल में भी वो रूखे फीके मालूम होते हैं, मगर वो सर से पांव तक इश्क में डूबे हुए हैं। इस गज़ल में उन्होंने जो कुछ कहा है अपना ज़ाती हाल बयान किया है। सीरुल औलिया से एक नोट, हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह को अपने मुर्शिद से जो वालेहाना शेफ्तगी थी उसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है। एक मरतबा हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह की खानका में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के एक मुरीद ख्वाजा मोहम्मद गाजरूनी आए। तहज्जुद की नमाज के वक्त अपने कपड़े रखकर वुज़ू करने चले गए, वापस आए तो कपड़े गायब थे। तलाश में शोर व शगब करने लगे। हज़रत चिराग देहली भी एक गोशे में इबादत में मशगूल थे। उन्हें ख्याल हुआ कि शोर से मुर्शिद की इबादत में खलल पड़ेगा, चुनांचे अपने कपड़े उतार कर ख्वाजा गाजरूनी को दे दिए। सुबह को जब ये वाकया हजरत को मालूम हुआ तो शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहली को बाला खाने पर तलब करके अपनी ख़ास पोशाक अता की और उनके लिए दुआए खैर की।